आज हम यहाँ, मैं जगमोहन शर्मा हूँ, चेयरमैन JPDCL, और हमारे MD साहब हैं मिस्टर गुरमीत सिंह, और चीफ साहब साथ में बैठे हुए हैं हमारे। तो आज जो हमारा बेसिक मुद्दा है वो है बिजली के बारे में जम्मू में डिस्ट्रीब्यूशन के तहत। अगर आप देखेंगे तो कल का जो दिन था, कल का काफ़ी गर्म दिन था जम्मू में, और बेसिकली गर्मी जो है अब शुरू हुई। इस गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए पिछले फरवरी से लेके अभी तक हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने, और अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी, और हमारे मिस्टर डॉक्टर RP सिंह हैं जो अभी CMP यहाँ नियुक्त हुए हैं, हमारी जो बेसिकली कॉरपोरेशन है, पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, उसके जो कि हमारी होल्डिंग कंपनी भी है, तो इसके अंतर्गत हमारी यहाँ पे 6 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई, इसलिए इस ध्येय के साथ कि जम्मू में जो गर्मियाँ हैं इसमें पावर की पोजीशन कैसे ठीक की जा सकती है। तो इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए, काफ़ी सारे डिसीजंस लिए गए, और कुछ चीज़ें जो शायद आपको पता हों या ना पता हों, पिछले 3-4 महीने में और शायद PED में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि जैसे हमारा बर्न सबस्टेशन है उसकी कैपेसिटी 160 MVA से बढ़ाई गई, इसी प्रकार ग्लैडनी है जिसमें 50 MVA, कैनाल का सबस्टेशन है वहाँ 50 MVA के नए ट्रांसफार्मर लगाए गए, और जो हमारी ट्रांसमिशन की कैपेसिटीज़ हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ाई गई। इसी प्रकार से अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे तो यहाँ पे दो तरह की स्कीम्स चल रही हैं, वो स्कीम जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जिसमें काफ़ी सारे 33 KV सबस्टेशन और उसके एसोसिएटेड ट्रांसमिशन लाइन्स, और उसके साथ वो लाइन्स काफ़ी सारी या वो सबस्टेशन जहाँ ऑगमेंटेशन की ज़रूरत थी उसमें भी ऑगमेंटेशन की जा रही है। और एक्चुअली ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हमारे मई के एंड में ख़त्म होने चाहिए थे, लेकिन कोविड की वजह से ये थोड़े से डिले हुए हैं, और हमें उम्मीद है कि जून के एंड तक ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और कोविड का ऐसा समय रहा जिसमें जो हमारे पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के, डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन के, या इवन ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के काफ़ी सारे इंजीनियर्स, उनके फैमिली मेम्बर्स, और काफ़ी सारे लोग बेचारे हताहत हुए, मारे गए। तो एक तो मैं उनके लिए भी श्रद्धांजलि अभी अर्पित करूँगा, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर में, जम्मू में स्पेशली, क्योंकि मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ, पावर सप्लाई को मेंटेन करने के लिए काफ़ी एफर्ट किया, और हमेशा चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो, किसी समय भी वो लोग सामने आए, और वो काम उन लोगों ने करने की कोशिश की। हमारा बेसिक मकसद ये है कि हम जम्मू में बिजली सप्लाई जहाँ तक पॉसिबल हो अच्छी सप्लाई दें, और समय के साथ सप्लाई दें। ये मैं नहीं कहूँगा कि कटेलमेंट नहीं होगी, कटेलमेंट भी होगी, क्योंकि यहाँ जो लोड जिस प्रकार से बढ़ा हुआ है उसके बारे में अभी हमारे MD साहब भी बात करेंगे, तो लोड पिछले साल से बढ़ा है, और उसके ऊपर कई और इश्यूज हैं जिनके बारे में मैं आगे आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आगे आपको बताऊँगा इसके बारे में। तो ये सारी सिचुएशन होते हुए भी हम लोगों को, क्योंकि हमारा एफर्ट है यहाँ पे बिजली की सिचुएशन जो है ये बिल्कुल ठीक हो, और जब मैं एफर्ट की बात करता हूँ, आपको शायद पता होगा कि पहले ये हमारा डिपार्टमेंट हुआ करता था, ये अभी कॉर्पोरेटाइजेशन का एक सिस्टम चालू हुआ है, और पिछले फरवरी से एक नया सिस्टम यहाँ लागू हुआ है, और उस सिस्टम के होने से हमारा एक एफर्ट है जो कि जितनी बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारी चाहे हिंदुस्तान में हैं चाहे हिंदुस्तान से बाहर हैं, हमारा एफर्ट रहेगा कि उनको हम उन्हीं के तरीके से चलने की कोशिश करें, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक छोटा चैलेंज नहीं है, क्योंकि कई यहाँ पे लीगेसी इश्यूज़ हैं। अगर आप लोग हमारे साथ कई सबस्टेशन, कई 33 KV सबस्टेशन उनका टूर भी करना चाहें, हम आपको कंडक्टेड टूर पे भी जा सकते हैं, तो आप देखेंगे कि पिछले कई डिकेड्स में कई चीज़ें ऐसी थी जो यहाँ पे होनी चाहिए थी, नहीं हुई, जो भी कारण रहे हों उनके पीछे हम नहीं जाना चाहते, लेकिन कॉर्पोरेटाइजेशन की वजह से वो चीज़ें जो हैं वो आस्ते आस्ते ठीक होंगी, आगे सामने आएंगी, और आप भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उस पर एक इम्पैक्ट देखना शुरू करेंगे। मगर एक चीज़ मैं आपको सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप सब लोग यहाँ बड़े इम्पोर्टेंट और मीडिया हाउसेस से हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से हैं, और वो इशू हमारा है बिजली चोरी का। हम दुनिया में
या हिंदुस्तान में या जम्मू या कश्मीर जहाँ पे भी चाहें कि अगर हम जितना मर्ज़ी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें और अगर हमारी चोरी नहीं रुकती तो हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा वेस्ट हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा बिना जगह के नाम लिए हुए। लास्ट ईयर तक एक सब जगह में, क्योंकि मैं इसलिए आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता बिकॉज हम भी इस प्रोसेस में हैं देखने की कहाँ क्या दिक्कत है, उस दिक्कत को हम कैसे ठीक करें। 250 KVA का ट्रांसफार्मर लास्ट ईयर तक वहाँ बड़े बढ़िया तरीके से चल रहा था, वो ट्रांसफार्मर जला क्योंकि वहाँ लोड पड़ा। उसके बाद हमने उसको 400 KVA के ट्रांसफार्मर से रिप्लेस किया और जैसे ही वो 400 KVA का रिप्लेस हुआ उसके 2-4 दिन के बाद वो भी जला। उसके बाद फिर से 400 KVA से रिप्लेस किया, वो फिर से चल गया। क्यों? क्योंकि अगर हमने यह एनविसेज किया था कि वहाँ 400 KVA का लोड है, वहाँ 600-700 KVA का लोड आना शुरू हो गया तो कोई भी सिस्टम, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको सस्टेन नहीं कर पाए। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे भी पॉसिबल है आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आप भी वैसे ही कंज्यूमर हैं जैसे मैं कंज्यूमर हूँ, जैसे हमारे चीफ साहब या MD सब कंज्यूमर हैं। एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल कंज्यूमर्स। अगर हम चोरी को बंद नहीं करेंगे तो हम लोग जो हैं कभी भी इस सिस्टम की इम्प्रूवमेंट का सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए आज हमने इसी माध्यम से, जो हमारी आज ये प्रेस ब्रीफिंग है, इसके माध्यम से हम अपील कर रहे हैं लोगों से, चाहे वो सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रेड कॉमर्स के लोग हैं, व्यापार मंडल हैं, शॉपकीपर्स हैं, ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया के आप सब भाई बंधु बहन जो ही हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पे, कई लोग, कल जो पहला दिन था गर्मी का और सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा तूफान मच गया कि बिजली का नहीं है, कोई कहीं की बात कर रहा है, कोई कहीं की बात कर रहा है। लेकिन हम सबकी ये ड्यूटी भी है कि बिजली की चोरी ना हो, बिजली के ऊपर हम खामखा में ओवरलोडिंग ना करें, और जहाँ पे भी इस प्रकार का कहीं किसी को शक पड़ता है, होता है, वो किसी भी, हम टीम में से जहाँ भी आपको लगे इन्फॉर्म करिए, सोशल मीडिया के थ्रू इन्फॉर्म करिए, फ़ोन लाइंस के थ्रू इन्फॉर्म करिए, फ़ोन लाइंस हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि चोरी ना हो। इसमें यह भी हो सकता है, और मैं बिल्कुल एक बड़े स्पष्ट ब्लंट तरीके से बात करना चाहता हूँ कि इसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी कुछ इन्वॉल्व हों। ब्लैक शीप हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं है, हमारे सब लोग बहुत मेहनत के साथ काम करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोविड के होते हुए भी लोगों ने अपनी जान माल की परवाह न करके काम किया, कई लोग उसमें अपनी जान भी खुवा बैठे। लेकिन ब्लैक शीप हर जगह है, हर ऑर्गेनाइजेशन में है। इसी से माध्यम से अगर आप लोगों को कहीं एक ऐसा आदमी आपको दिखता है, ऐसा कोई आदमी, ऐसा कोई ग्रुप दिखता है जो कि किसी प्रकार से कस्टमर्स के साथ, कंज्यूमर्स के साथ मिलकर या किसी तरीके से उसको करने की कोशिश कर रहा है, हमारे नोटिस में लाए, हम आपको एश्योर करते हैं इस पर हमारे गवर्नमेंट की, हमारे LG साहब से लेके प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी तक की पूरी वो है कि हम उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और उस इशू को अब बंद होने देंगे नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी ड्यूटी आप पे छोड़ दी है, या क्योंकि हम छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि आप प्रेस के लोग हैं, आप तो सारी दुनिया को अपनी सिचुएशन बता सकते हैं सर, और बताएंगे ज़रूर आप। पर हम भी खुद ऐसे जो भी कोई आदमी, क्योंकि ये हमारे कई कुलीग्स इस टाइप के ये शायद सुन भी रहे हों या इसकी रिकॉर्डिंग किसी स्टेज में देखेंगे, तो हम उनसे अभी से ही ये बता रहे हैं कि बिजली चोरी का समय समाप्त हो चुका है। हमें जहाँ भी चोरी का कोई ऐसी गुंजाइश या कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी, वी विल बी देयर टू एंश्योर दैट थेफ्ट डजेंट टेक प्लेस। चाहे रात के 12 बजे होंगे, चाहे 2 बजे होंगे, चाहे 1 बजे होगा, दिन का कोई समय होगा, वी विल बी देयर टू एंश्योर दैट दिस थिंग डजेंट हैपन। तो मेरा ब्रीफली यही कहना था। इसके साथ हमारे MD साहब कुछ इधर के डाटा के बारे में आपको बताएंगे, तो MD साहब प्लीज़। सर, ये कोई डाटा है आपके पास अभी? MD काइंडली एक बार MD साहब बात करें, उसके बाद प्लीज़। मैं इसमें सिर्फ इतना ही ऐड करना चाहूँगा कि मैं पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल जून के महीने में 7 दिनों में हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन है 22% के करीब बढ़ गई है। 21.97% एनर्जी हमारी ज़्यादा बढ़ गई है जो हम कैटर कर रहे हैं, और लोड जो है हमारा पिछले साल जो मैक्सिमम लोड गया था वो 1250 मेगावाट गया था। इस वक्त जो हमारा लोड हमने कैटर किया अभी तक
वो 1258 मेगावाट हो गया, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और डोमेस्टिक लोड ही हमारा ज़्यादा बढ़ रहा है, कमर्शियल लोड इतना नहीं है जितना ज़्यादा डोमेस्टिक लोड ही बढ़ रहा है। और एनर्जी कंजम्पशन हमारी अगर आप अप्रैल में देखें तो 13% ज़्यादा थी पिछले साल से, मई में 9% थी और जून के महीने में 22% एनर्जी ज़्यादा बढ़ गई है जो हमने जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं। इसमें सिर्फ पिछले 7 दिन का डाटा है, 7 तारीख का डाटा है। तो हमारी सिर्फ यही लोगों से अपील रहेगी कि अगर एटलीस्ट चोरी बंद कर दें और दूसरा मिसयूज़ पावर का बंद कर दें, जिस कमरे में पावर नहीं बैठता कोई नहीं उस पावर को बंद कर दें, यूज़ मिसयूज़ ना करें, जहाँ लाइट की ज़रूरत नहीं है वो लाइट बंद कर दें, जहाँ एसी की ज़रूरत नहीं है वो एसी बंद कर दें, क्योंकि मैक्सिमम जगह यही देखा गया कि जो मीटर पर किराया नहीं देता वो अपनी बिजली बंद नहीं करता, वो एसी बंद नहीं करता, होगा कमरा ठंडा हो रहा होने दो। ये टेंडेंसी जो है ये सिस्टम के लिए भी ठीक नहीं है, हमारे लिए भी ठीक। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी सबसे कि प्लीज़ आप एनर्जी जो है जुडिशियसली कंज्यूम करें और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बंद कर दें। थैंक यू। हमारे आप कह रहे हैं चोरी कर रहे हैं लोग, और इनडायरेक्टली आप यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग चोर हैं, मगर आपके डिपार्टमेंट में जब चोरी सामने आती है कई जो है लाइनमैन जो है वो करोड़पति नजर आते हैं, और आपको हमेशा पता है सर कि हर साल जो है वो गर्मियों के महीने में लोड बढ़ता है, ये कुछ न्यू फिगर्स तो आप हमें दे नहीं रहे, आप बता रहे हैं कि पिछले साल से अभी लोड बढ़ा है, इससे पिछले साल अगर आप चले जाएं तो पिछले साल से नए साल में फिर लोड बढ़ा था, ये आप सभी को पता है, बहुत बेहतरीन तरीके से पता है। फिर बिजली डिपार्टमेंट या फिर आप ही का प्राइवेट लिमिटेड जो हो गया है, एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो गई है, वो क्यों नहीं तैयार रह रहा पहले से? इसमें आप सारा लोड अगर जनता पे ही डालेंगे, जनता टैक्स भी दे रही है, जनता चोरी भी कर रही है, जनता मीटर के पैसे भी दे रही है, सब कुछ जनता दे रही है, मगर फिर आप जनता पे ही लोड डालेंगे, आप अपने डिपार्टमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, इसकी कोई दुख नहीं बनती सर। रियली सॉरी, इसका आंसर मैं करूँगा इस क्वेश्चन को। नंबर वन, ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, ये कॉर्पोरेटाइजेशन है। आपने कितनी सारी भारत सरकार की कंपनीज देखी हैं, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, कॉर्पोरेट है वो, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। सो ये एक कॉर्पोरेटाइजेशन है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी रेवेन्यू की, एक्सपेंडिचर की और बाकी क्वालिटी पावर की इस कॉर्पोरेशन की बिल्कुल डिफाइन कर दी गई है, दैट इज़ वन थिंग। नंबर टू, जैसा मैंने, अगर आपने पूरा जो मैंने बात की थी इससे पहले सुना हो, ये हमें पक्का पता है कि हमारे बीच में भी कुछ लोग हमारे भाई बंधु ही हैं, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। तो ऐसे लोग अब हमें जब भी मिलेंगे, जहाँ भी मिलेंगे, जिस प्रकार से मिलेंगे, दे विल फेस द हीट ऑफ इट। ये मैं आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ बताना चाहता हूँ। नंबर तीन, आपका पॉइंट ये था कि लोड बढ़ता है, लोड बढ़ता है, पर अगर मैं आपको, हमारा जो एनालिसिस है कि अगर चोरी बंद हो, बुक्स यहाँ पे लगे हुए बंद हो, जो सामने सामने दिखता है कि कोई एसी का हुक लगा के अपना यूज़ कर रहा है, अगर वो बंद हो तो हमारी जो यहाँ पे डिमांड है जम्मू में, इट विल गेट रिड्यूस्ड बाय एटलीस्ट 20-25%। ठीक है, तो हमसे कोई चीज़ छुपी नहीं है। मैं आपको ये सिर्फ कहना कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो अभी जन्म है जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन का, ये समझिए फरवरी से है, और फरवरी से हम एक पर्टिकुलर तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा ध्येय था कि हम काफ़ी सारे काम मई के एंड में कर दें, ख़त्म कर दें। मई के एंड में नहीं हो पाया, ये बदकस्मती देखिए, सब लोग आप भी सारे मास्क लगाए हुए बैठे हैं, मैं क्योंकि मेरी आवाज़ वैसे ही कम रहती है तो इसलिए मेरे को मास्क खोलना पड़ा, पर हमेशा वो डर रहता है कि पता नहीं खोलना चाहिए था कि नहीं खोलना चाहिए। तो मेरा कहना ये है कि हम आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने वाले कौन होते हैं, वी कैन नॉट डू दैट। बट मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एज आई से अल्टीमेटली यू आर ऑल्सो द कंज्यूमर, एज गुड कंज्यूमर एज आई एम। मैंने कभी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई, और ये फैक्ट है कि लोग उंगली लगा के चोरी करते हैं। आप ही मैडम आप ठीक है, मैं उस पर एज आई सेड इन द वेरी थिंग नहीं, कि फरवरी के बाद हमारा एक डिफरेंट जन्म है इस ऑर्गेनाइजेशन का, वी विल ट्राई टू एंश्योर। इन चीज़ों में समय लगता है, एक पुरानी आदत किसी आदमी की, एक किसी सेटअप की, एक ऑर्गेनाइजेशन की, या एक सोसाइटी की एक प्रकार से हो, वो ऑल ऑफ ए सडन चेंज नहीं होता है। गांधीनगर के वो गेस्ट हाउसेस, गांधीनगर के वो गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेस जहाँ पे 6-6 ACs लगे हैं, 8-8 ACs लगे हैं, उनकी बात। हाउ हैव यू कंक्लूडेड कि मैं सिर्फ लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ?
आई एम स्पीकिंग अबाउट पर्सन फ्रॉम राइट फ्रॉम नीचे, तो लोग चोरी भी नहीं करते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि वो चोरी करेगा किसके लिए। जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं पूरी एक सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, नीचे से लेकर ऊपर तक। मैंने कहीं पे भी ये नहीं कहा, ये आपने कैसे कंक्लूड किया ये मुझे पता नहीं सर। वी विल एक मिनट मैं इनका पूरा कर लूँ, आफ्टर दैट आई विल कम टू यू, कि हम इंश्योर करेंगे हम लोग इनके पीछे जहाँ भी जाना पड़े। शुरू में तो रिक्वेस्ट करेंगे, नहीं रिक्वेस्ट होगी तो हमारे पास जो लीगल प्रोसीजर्स या जो लीगल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वी विल गो विद दिस लीगल लीगल सर। अभी अभी कुछ स्टाफ जो है वो हायर किया गया है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने स्टाफ हायर किया है, बट लोगों का कहना है कि स्टाफ अनप्रोफेशनल है, उनसे फॉल्ट रिपेयर नहीं होते, 36 घंटे लग जाते हैं लेकिन पावर रिस्टोर नहीं होती है, और प्लस जो इक्विपमेंट आप लोग लगा रहे हैं उनकी क्वालिटी बहुत पुअर है, वो वहाँ पर मतलब लगाने के लायक ही नहीं है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? दो किस्म की चीज़ें, अभी आपने दो किस्म की चीज़ें की। एक बात यह है कि जो हमारे लोग इस समय दो किस्म के काम यहाँ चल रहे हैं, एक वो काम है जो हमारा डिपार्टमेंट खुद करता है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक काम है वो है, दूसरा वो काम है जो सेंट्रल सेक्टर की कई सारी स्कीम्स हैं जिसके अंदर वो काम हो रहा है, और जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स के पास हैं विदाउट डाउट, तो वो कॉन्ट्रैक्टर्स वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आज आप जब हम मिले हैं, उससे पहले ही हमारी बातचीत हुई है कि हम उन कॉन्ट्रैक्टर्स पर किस तरीके से एक प्रकार का शिकंजा या उनके ऊपर लगाम रखें, ताकि काम जो हो, जो आप अभी शिकायत कर रहे हैं वो शिकायत ना हो। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि ये आदत होती है, ये आदत ख़त्म होने में डोंट एक्सपेक्ट कि कल होगी, पर महीने में अंतर होगा, 20 दिन में अंतर होगा, एंड यू विल फाइंड दीज थिंग्स चेंजिंग विद टाइम, इतना ही मेरा कहना है। और हम किसी को छोटे से बड़े तक हर एक से हम, मैं प्रैक्टिकली हाथ जोड़ के हर आदमी को, चाहे वो बड़े से बड़ा है, जिस पर से अहदे पे है, वो छोटे से छोटा है, अगेन आई एम सेइंग छोटे लोग चोरी नहीं करते हैं, उसकी क्या होगा 250 वॉट का कुछ सिस्टम होगा, इतना है ना, तो उसके बारे में क्या बात करेंगे। लेकिन वो लोग जो सच में चोरी करते हैं, अभी इन्होंने गांधीनगर, रोटरी गुड़ा नगर और बाकी जगहों की बात करी है, ये एक फैक्ट है, एंड हम उन सबसे रिक्वेस्ट भी करेंगे, रिक्वेस्ट से अगर बात नहीं बनी तो हम लीगल पोजीशन में जाएंगे जहाँ वो रिक्वायर्ड हो। सर, आई एम द बेयरर ऑफ द ब्रांड फ्रॉम लास्ट 36 आवर्स, वी आर नॉट डूइंग पीछे लक्ष्मी नगर सरवाल 630 का ट्रांसफार्मर वहाँ लगा हुआ, इट टुक देम 3 days टू रेक्टिफाई द फॉल्ट एंड नाउ दे हैव चेंज द ट्रांसफार्मर, द केबल्स कमिंग टू द ट्रांसफार्मर आर टोटली टॉर्न, दे आर मेल्टेड, फ्रॉम लास्ट 3 days वी वर सफरिंग, ओल्ड पीपल वर सफरिंग, व्हाई इट टुक देम सो लॉन्ग। वहाँ जो प्रॉब्लम थी वो ट्रांसफार्मर से ही रिलेटेड नहीं थी, वो केबल से थी। ले दे के बाद वो वही बात आती है कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, बिल्कुल कि ओवरलोडिंग पहले हुई कि केबल पहले चले। सर, डू यू एग्री कि कौन जो मटेरियल यूज कर रही है वो बहुत लो ग्रेड है? नहीं, आई विल नॉट एग्री, बिकॉज जो भी किसके कंपनी का नाम होता है एयरकॉन को, एयरकॉन का सर जी, एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि एयरकॉन ने यहाँ से वी आर इनटू सम काइंड ऑफ लीगल थिंग विद, और उसका सेटलमेंट भी वी आर ट्राइंग टू सेटल भी, पर ये कहना कि एयरकॉन ने गलत केबल्स लगाई हैं, बिकॉज हेयर से में किसी ने बोल दिया गलत केबल लगाई है, वो ठीक नहीं है। सर, फिर ये केबल जल के गिर क्यों रही है? ओवर लोडिंग पे गिर के भी चलती है भाई साहब, ये जो है ये केबल्स ओवर लोडिंग पे चलती है, अदरवाइज नहीं चलेंगे। ये केबल ऐसी नहीं है कि सिर्फ यहीं लगी है जगह, तो मेरा एक्चुअली यही है फिर से कि हम लोग जो हैं, आपने जो बोलना बोलिए, आई एम रेडी टू आंसर एनी क्वेश्चन, पर किसी को ऐसे ही बोल देना कि आपका मोबाइल है, मैं बोलूँगी आपको मोबाइल, नॉट लाइक देयर शुड बी ए प्रूफ। हम देखेंगे, मतलब अगर ऐसा आपको कहीं लगता है कि केबल खराब है, पर जहाँ तक मेरे को, क्योंकि एयरकॉन के साथ आपको शायद आइडिया हो ना हो, मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पहले पावर ग्रिड से था, उसके बाद मैं CEO एक प्राइवेट कंपनी में रहा, और उसके बाद अभी मैं इधर पिछले 5 से हूँ समझिए, तो ये सारे एरियाज में, और साहब लोगों का भी इतना एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि उनके साथ कुछ लीगल इश्यूज हैं, दोस्त लीगल इश्यूज आर बीइंग सेटल,
और जहाँ जहाँ कुछ प्रॉब्लम लीगल इशू हो सकते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में कोई अगर आर्बिट्रेशन में चला गया तो ये राइट टू गो इनटू आर्बिट्रेशन। सर सॉरी टू से अगेन आई एम काउंटरिंग यू ऑन दिस। पुराना सिस्टम जब भी था हमारे, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, जहाँ पे हम पुराने मीटर्स देखते थे जिनकी रीडिंग भी नहीं होती थी, वो बिल्कुल स्टैचू होते थे एंड दैट इज ऑलमोस्ट अ सेकंड क्लास या थर्ड क्लास मटीरियल। उसके बाद कौन आ रही है बिल्कुल फर्स्ट क्लास मटेरियल लेके आ रही है और उनके मीटर्स में स्पार्कलिंग हो रही है और उनके मीटर्स भी चल रहे हैं कई जगह पे। स्पेसिफिक जगह हमें बताइए, बिकॉज ये एक्सपीरियंस नहीं है जो आप बता रहे हैं, तो इसलिए आप हमें स्पेसिफिक इंस्टेंसेस बताइए, वी विल हैंडल देम। हम कोई हम किसी का बचाव नहीं कर रहे। अगर आप हमें स्पेसिफिक कोई ऐसी चीज़ बताते हैं तो हमारा ध्येय किसी को भी बचाव करना नहीं है। अगर कहीं गलती पकड़ी जाएगी वी विल गो अगेंस्ट, इसमें क्या दिक्कत है?